15 अगस्त को सीएम ने भाषण दिया, उस भाषण में भी पर्सनल अटैक लालू आपके परिवार का ये जस्टिफाई है। कोई भी हम अब उनके बारे में हम क्या ही बोले, हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग। स्कूल हो, पुलिया हो या मेगा पुल, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। पहली बार जो है ये पुल, पहली बार जब गिरा था तो ये निर्णय हुआ था कि तोड़ के बनाया जाए, कोर्ट का मसला था। कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये तय हुआ कि शायद जो कंपनी है वो अपने खर्च पे ही जो है पूरा जो है ये दोबारा बनाएगी। लेकिन अगर ये तीसरी बार ये गिरा है कहीं ना कहीं से जो है का हर एक चीज जो है कमेटी बनी हुई है जांच के लिए। जब हम बने हुए थे समय कमेटी हम लोगों ने बनाया था और उस कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट आने थे उस हिसाब से एक्शन लेना था। अब देखना पड़ेगा कि उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद तो हमारी सत्ता चली गई, हम रहे नहीं। जो कमेटी का जो रिपोर्ट है जब तक वो देख नहीं लेते तब तक इस पे जो है कुछ कहा नहीं जा। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, चाहे पुल हो, पुलिया हो या मेगा पुल, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अगर जो भी दोषी है, हम तो साफ तौर पे कहते हैं, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें वो रिपोर्ट जो है वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पहली बार भी गिरा था तो एक रिपोर्ट बनी थी, दूसरी बार जब हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि उसकी रिव्यू मीटिंग भी हमने ली थी और ये निर्णय हुआ था कि तोड़वा करके फिर से जो है इसका डिजाइन वगैरह का हम लोग करेंगे, तो ये कर रहे थे। लेकिन कोर्ट में मामला चला गया था, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय था सबने उसको पालन किया। लेकिन अब ये तीसरी बार गिरा है, अब ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं पुल जो है कब तक बनेगा। ये अब किसी को जो है विश्वास नहीं होता कि ये पुल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो इसके जो भी डिजाइनिंग स्ट्रक्चर जो भी फॉल्ट है उस रिपोर्ट में आएगा। हम लोग भी जो है सरकार के अधीन मंत्री के पास, हो सकता है कि हम तो हट गए, हो सकता है रिपोर्ट आया होगा। लेकिन हमारे जहां तक जानकारी में हमको नहीं लगता कि जो मंत्री बने हैं वो अभी तक इस पुल को लेके कोई समीक्षा बैठक भी की है कि नहीं। एक सवाल अगर की है तो इसकी जानकारी जो है वो बताना। एक सवाल है, 15 अगस्त को सीएम ने भाषण दिया, उस भाषण में भी पर्सनल अटैक लालू आपके परिवार का ये जस्टिफाई है। कोई भी हम अब उनके बारे में हम क्या ही बोले, हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं। अब उनको हम लोगों को गाली दे के ही उनको थोड़ी खुशी मिलती है, तो वो खुशी आप लोग क्यों छीन रहे हैं? लेने दीजिए, 12 लाख बोलने दीजिए। हालांकि कोई भी कभी भी आज तक देश के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, इस अवसर पे जो भी मुख्यमंत्री रहे हो, गवर्नर रहे हो या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हो, इस तरह से निजी और पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया करते हैं। लेकिन फिर भी वो बड़े हैं, हम तो छोटे हैं, हम क्या ही बोलें।